रिलेशनशिप कोई भी हो, वह एक पौधे के समान होती है। यदि आप उसे सींचते हैं, उसमें समय समय पर पानी देते हैं, खाद डालते हैं, तभी वह हरा भरा रहता है, अन्यथा वह एक दिन पौधे की भांति सूख जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है। हर रिश्ता बड़े ही सहजता से निभाना पड़ता है। अगर उसमें कोई गांठ लग जाए तो आप उसे खोलने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, परंतु समय तो लगता ही है, और कई बार तो ये गांठ ऐसी लग जाती है कि खुल ही नहीं पाती और रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसे ही एक रिश्ते पर मैं सुजाता चौहान आज आप सभी से बात करूंगी। आज जिस रिश्ते पर मैं बात करूंगी वो इतना अहम है कि पूरा समाज इसी पर टिका हुआ है, परंतु पता नहीं क्यों यही रिश्ता आज समाज में बहुत आसानी से टूटता हुआ देखा जा सकता है। जिसे देखो वो तलाक की बात करता है। कम से कम 50% ऐसे लोग हैं जो तलाक लेना चाहते हैं, या उनका तलाक हो रहा है या फिर हो चुका है। यह बात हमारे समाज में आम हो गई है, परंतु तलाक से जो नुकसान होता है उसे कोई भी नहीं समझता। कोई भी इसके पीछे छुपे कारणों को नहीं ढूंढता। कई बार तो तलाक अवश्य हो जाता है, परंतु अधिकतर तलाक केवल कुछ गलत फहमियों, कुछ ऐसी प्रॉब्लम से होते हैं जिन्हें शायद थोड़े से प्रयत्नों से हम टाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिन्हें हम थोड़े से प्रयत्न कर अपने रिश्ते से दूर कर सकते हैं, अपने रिश्ते को काफी हद तक टूटने से बचा सकते हैं। सबसे पहला कारण जो मैं समझती हूँ जो काफी हद तक तलाक को बढ़ावा देता है, वह है ईगो। चाहे आप पति हैं चाहे पत्नी, आपको अपने रिश्ते में ईगो नहीं लाना। ईगो जिसे हम अहम कहते हैं, आप उसे बिल्कुल भी अपने रिश्ते में ना लाएं। आप दोनों बराबर हैं, कोई भी आप में छोटा या बड़ा नहीं है। जिस तरह किसी गाड़ी को ठीक से चलाने के लिए पहियों की आवश्यकता होती है, उसी तरह इस शादी रूपी गाड़ी के आप दो पहिए हैं, तो आप में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, आप दोनों इक्वल हैं। तो अपनी ईगो को साइड पे कर दीजिए एकदम। अपने रिश्ते को अगर आपको अच्छी तरह चलाना है तो इस रिश्ते में ईगो की कोई भी जगह नहीं है, ईगो को कोई भी महत्व नहीं है। दूसरी चीज जो शादी को सही ढंग से चलाने के लिए जरूरी है, वह है विश्वास और प्यार। अगर आपके रिश्ते में प्यार और विश्वास नहीं होगा तो वह मजबूत नहीं होगा। तो आपको अपने जीवन साथी को समय समय पर प्यार जताना है। इसके लिए आपको उनको प्यार बताना है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, उनके बिना आपका जीवन कितना अधूरा है। ये सब बातें समय समय पर आप अपने पति या पत्नी से जताएं। और इसके अलावा आपको अपने पार्टनर पर पूरी तरह से विश्वास भी करना है। शादी को मजबूती देने के लिए लॉयल्टी बहुत ही जरूरी है। आपको अपने पार्टनर के प्रति लॉयल होना चाहिए। अधिकतर घर लॉयल्टी ना होने के कारण ही टूटते हैं, तो आपको अपने पार्टनर के प्रति लॉयल होना चाहिए। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो हर काम बिगाड़ता है, तो शादी इससे कैसे बच सकती है? तो गुस्सा नहीं करना आपको। अगर गुस्सा कभी आ जाता है तो आप चुप हो जाए। यदि पति को गुस्सा आ रहा है तो कुछ देर के लिए पत्नी चुप हो जाए, और यदि पत्नी को आ रहा है तो पति चुप हो जाए। चुप होने से आप छोटे नहीं होंगे, हाँ, पर अपना रिश्ता व घर टूटने से जरूर बचा लेंगे। हर रिश्ते में स्पेस बहुत जरूरी होता है, और पति पत्नी का रिश्ता भी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें स्पेस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप पति हैं तो आप अपने पत्नी को स्पेस दें, और यदि आप पत्नी हैं तो आप अपने पति को स्पेस दें। स्पेस देना मतलब हर वक्त पूछताछ नहीं करना, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ये कौन था, किसका फोन है, ये सब बातें आप बार बार पूछकर एक दूसरे को इरिटेट ना करें। थोड़ा समय दें एक दूसरे को, आपका पार्टनर आपको खुद ही बता देगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी, अपने पार्टनर को स्पेस देना है। उनसे बार बार ऐसे बेकार के प्रश्न पूछकर उन्हें इरिटेट नहीं करना। इसके अलावा अपने विचारों को एक दूसरे पर मत थोपिए। आप एक दूसरे को सलाह दे सकते हैं, एक दूसरे को अपने विचार बता सकते हैं, पर ये विचार एक दूसरे पर थोपने नहीं है। अगर आपके पार्टनर को सही लगेगा तो वो आपकी बात जरूर मानेगा, आपकी सलाह को जरूर मानेगा, उसके ऊपर अमल जरूर करेगा। अपने विचारों को थोपना नहीं है, ये बहुत ही जरूरी चीज है। एक चीज और जो खासकर लेडीज को ध्यान में रखनी है, वह है एडजस्टमेंट। शादी कर आप नए घर में आई हैं, आपको ही उस घर के तौर तरीके परंपराएं सीखनी होंगी, आपको बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करनी होगी। लेकिन होता क्या है, लड़कियां ससुराल वालों को अपने मुताबिक चलाना चाहती हैं। ऐसा नहीं करना आपको, वो लोग आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, आपको उनके तौर तरीके सीखने होंगे। हाँ, कुछ चीजें प्यार से आप चेंज कर सकती हैं, परंतु केवल वो चीजें आपको चेंज करनी है जो चेंज करने लायक हों। हर चीज नहीं आपको उनकी चेंज करनी। इसके साथ साथ ससुराल पक्ष को भी नई बहू को एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। आपको भी यह समझना चाहिए कि वह अपना घर छोड़कर नए घर में आई है, और उसके लिए हर चीज, हर रीति रिवाज, हर तौर तरीका नया है, और उसको भी आपको एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़ा समय जरूर देना चाहिए।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पोजेसिवनेस। अधिकतर लेडीज पोजेसिव होती हैं और पोजेसिवनेस भी एक ऐसी चीज है जो इस रिश्ते के लिए बहुत ही खतरनाक है। आपको ये समझना चाहिए कि आपका पति आपका है, परंतु वह अपनी माँ का बेटा और बहनों का भाई भी है। यह चीज आपको भूलनी नहीं है। अधिकतर घरों में इसी बात को लेकर लड़ाई होती है। ये चीज गलत है। आपको समझना चाहिए कि आपके पति की माँ ने परिवार इन सभी के लिए जिम्मेवारियां हैं, तो आपको उनसे लड़ना नहीं है बल्कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर इन जिम्मेवारियों को निभाना है। ऐसा करके देखिए, आप दोनों का रिश्ता एक अलग ही मिठास से भर जाएगा। इसके साथ साथ शादी जैसे अहम रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सॉरी बोलना। गलती हर किसी से होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, परंतु सॉरी बोलना बहुत ही ज़रूरी है। कोई बात नहीं गलती हो गई तो, परंतु सॉरी बोलने में देरी ना करें। और सॉरी को अगर आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ बोलते हैं तो इससे सामने वाले पर जल्दी असर होता है। इसके लिए आप सॉरी के कार्ड दे सकते हैं एक दूसरे को। आप लेटर लिख सकते हैं, क्योंकि लेटर में वो सब आप कह सकते हैं आसानी से जो बोला नहीं जा सकता। इसके साथ साथ आप बार बार मैसेज कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट का युग है, तो मैसेज कर आप अपने पार्टनर को मनाएं। मनाने का तरीका चाहे कोई भी हो, ये मायने नहीं रखता, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको अपना रिश्ता सुधारना है, आपको सॉरी बोलनी है। आप कैसे मनाते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप मनाकर अपने रिश्ते की खटास को किस तरह से मिठास में बदल लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है। तो ये कुछ बातें थी जिन्हें आप ध्यान में रखकर बहुत हद तक अपने इस प्यारे से रिश्ते को बचा सकते हैं, टूटने से बचा सकते हैं, क्योंकि यह रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिनसे कि आपका पूरा परिवार, आपके माता पिता, आपके बच्चे जुड़े हुए हैं। और अगर आप अपने ईगो, अपने गुस्से, अपनी ना समझी के चलते अलग होते हैं तो इसका फर्क आपके परिवार और आपके बच्चों पर पड़ता है। और इन सब में बच्चों की क्या गलती? आप अपनी गलती की सजा बच्चों को ना दे, उनका बचपन उनसे ना छीने। तो इन्हीं सब विचारों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि शायद मेरी ये वीडियो किसी के रिश्ते को सुधारने में कामयाब हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।